नेताओं के कारण संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल निवृत्ति वेतन योजना के लाभार्थी अनेक महीनों से वंचित है। इन लोगों को जल्द से जल्द अनुदान न मिलने पर आंदोलन करने का इशारा भाजपा ने दिया है। भाजपा के महासचिव चंद्रशेखर बावनकुए, शहर अध्यक्ष प्रवीण दटके और गिरीश व्यास, इनके नेतृत्व में एक शिष्टमंडल अतिरिक्त जिलाधिकारी को इस मांग का निवेदन दिया। बावनकुए ने कहा कि ठाकरे सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया है। पिछले 6 महीने से इस विषय पर एक भी बैठक नहीं ली गई है। कोरोना के कार्यकाल में लोगों को पैसों की जरूरत थी, मगर सरकार है कि शांत है। एजुकेशन ग्रुप के प्रबंधक आलोक द्विवेदी ने कहा कि संस्थान के लिए व पूरे समाज के लिए बहुत ही गौरव की बात है कि हमारी बेटियां सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। इस मौके पर संस्थान के प्रबंधक आलोक द्विवेदी ने छात्रों को मिष्ठान खिलाकर उनका उत्साहवर्धन किया और कहा कि हमारा संस्थान जनपद का पहला एकमात्र संस्थान है जिससे योग शिक्षा प्राप्त करके छात्रा योग सहायक पद पर चयनित हुई, और कहा कि संस्थान के उद्देश्य के अनुरूप योग के प्रचार प्रसार के लिए जनपद में कहीं भी निःशुल्क योग शिविर लगाने के लिए इच्छुक योग प्रेमी अवश्य संस्थान को अवगत कराए। साथ ही छात्रा श्रद्धा दुबे ने अपनी कामयाबी के विषय में बताया कि संस्थान के योगाचार्य पंडित अरुण कुमार द्विवेदी व देवेश द्विवेदी के मार्गदर्शन में योग सीखकर आज ये मुकाम हासिल किया है। इस मौके पर दीपेंद्र सिंह, विशाल तिवारी, नितिन तिवारी, रत्नाकर त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। यह कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए संपन्न हुआ। नागपुर शहर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष आमदार प्रवीण दटके यांनी नागपूर महानगरात नागपूर जिल्ह्यामध्ये संजय गांधी निराधार योजनेअंतर्गत येणाऱ्या सर्व योजनांचा पैसा मागच्या 5 महिन्यापासून लाभार्थ्याला मिळत नाही म्हणून आज प्रवीण दटके यांच्या नेतृत्वात निवेदन देण्यात आलं। एकीकडे 5 महिन्यापासून लोकांना पैसा मिळत नाही आहे, कोविडच्या काळात लोकांना सरकार वेठीत धरते आहे। दुसरं, मागच्या 7 महिन्यापासून संजय गांधी योजनाच्या कमिट्याज तयार केल्या नाही पालकमंत्री महोदयांनी, पण जी आर मध्ये असं लिहिलं आहे जर कमिट्या नसतील तर तहसीलदारांनी बैठका घेऊन ते अर्ज निकाली काढावे। मागच्या 7 महिन्यात एकही बैठक झाली नाही आणि त्यामुळे नवीन अर्ज पेंडिंग पडले। विधवा, घटस्फोटी, निराधार, निराश्रित महिलांचे अर्ज, ज्यांचा घरचा व्यक्ती कोविडमुळे मरण पावला त्याचे 20,000 रुपये अजूनही सरकार देत नाहीये आणि त्यामुळे प्रचंड असंतोष नागपूरमध्ये आहे, नागपूर जिल्ह्यामध्ये आहे। माननीय प्रवीण दटके यांनी आणि भारतीय जनता पार्टीने जाहीर केलं आहे 7 दिवसाच्या आतमध्ये जेवढे प्रकरण मागच्या वर्षभरापासून पेंडिंग आहे ते प्रकरण 7 दिवसात निकाली काढावे। ट्रेझरीमध्ये बिलं पडलेले आहे संजय गांधीच्या योजनेचे, 4 महिन्यापासून ट्रेझरीमध्ये पैसा नाही आहे, तो 7 दिवसाच्या आत द्यावा, अन्यथा भारतीय जनता पार्टी नागपूर शहर नागपूर जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक चौकामध्ये संजय गांधीच्या लाभार्थ्यांसोबत, ज्या लाभार्थी योजनेच्या त्यांच्यासोबत आंदोलन करणार आहे अशी सूचना देण्याकरता प्रवीण दटके आणि संपूर्ण टीम आज आम्ही सर्व कलेक्टरला भेटले।